हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इलीट डिजाइनर पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोटोशॉप का जनरेटिव फिल ऑप्शन यूज, और देखने वाले हैं वो किस तरीके से हमारे इमेज को एडिट करता है। अगर आप लोगों को जानना है कि ये वर्जन आप कैसे खुद डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए और मैं बहुत जल्द उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। अगर इस वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो। गाइस, आ गए हम अपने फोटोशॉप ऐप पे और मैंने पहले से एक इमेज ले रखी है। बस इसको अब सेलेक्ट करता हूँ और नए लेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हम दोनों लेयर को जो है मर्ज कर देते हैं। गाइस, उसके बाद आपको करना है, जहां भी आपको वो आउटपुट चाहिए आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है, और वैसे ही जो है वो जनरेटिव फिल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्ट कर दिया है और पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। और फिर देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि जनरेटिव फिल का ऑप्शन आ गया है जहां पे हमें प्रॉम्प्ट डालना है। तो मैं जस्ट सिंपली लिख देता हूँ एड माउंटेन्स, और उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो फॉर द बेस्ट। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आउटपुट एकदम अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब एकदम रियलिस्टिक आउटपुट देने का फुल ट्राई हुआ है यहाँ पे। सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई मुझसे, वरना और भी अच्छा आउटपुट आते हैं। लेकिन गाइस, चारों आउटपुट आप देख सकते हो। तो ये AI वर्जन जो है फोटोशॉप का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़िया होता जाएगा। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।